गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कराइज फिजिक्स। तो जो हमारा बेसिक पॉइंट था, हमने करंट इंटेंसिटी का डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ करंट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है, जिसमें हमें क्या करना है, केसीएल प्लस केवीएल इनको स्टडी करना है। ठीक है, अभी केसीएल एंड केवीएल क्या है, तो केसीएल एंड केवीएल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे अबाउट द करंट फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन करने के लिए सबसे बेसिक एप्लीकेशन ये केसीएल एंड केवीएल का होता है। इनको अप्लाई किए बिना कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल सर्किट हम डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक से ध्यान देंगे, समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। एकदम बेसिक बेसिक बातें चल रही है एंड केसीएल एंड केवीएल के ऊपर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है, ठीक से प्रॉपर फोकस करके आपको देखना है। ठीक है, तो पहले आते हैं केसीएल के ऊपर। केसीएल मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो करंट मतलब क्या है, वो लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा है। अभी किरचॉफ ने करंट लॉ के बारे में क्या बोला था, उसने एकदम सिंपल बातें बोली थी कि बेसिकली क्या होता है, बेसिकली द अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। एकदम सिंपल स्टेटमेंट है, मीनिंग आपको समझ में आ रही है। बस जंक्शन एक न्यू वर्ड आ रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, जंक्शन मतलब जिसे ट्रेन का होता है, जिस पॉइंट से ट्रेन क्या होती है, स्प्लिट होती है, वैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जंक्शन क्या होगा, जंक्शन बनेगा एनी पॉइंट एट विच करंट कैन स्प्लिट, जहाँ पे करंट क्या होता है, स्प्लिट होता है। जैसे कि बेसिक एग्जांपल, एक पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिया P, यहाँ पे ऐसे दो कंडक्टिंग वायर है जो करंट लेके आ रहे हैं, I1 एंड I2, एंड यहाँ से ये I3, ये I4 एंड ये I5, ये करंट आवे जा रहा है। ठीक है, जैसे कॉमन एग्जांपल है, हमारे घर में स्विच बोर्ड होता है, एक वायर लेके आता है, वहाँ से हम ट्यूब को, फैन को, टीवी को, फ्रिज को कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो स्विच बोर्ड मतलब क्या होता है, नथिंग बट एक जंक्शन होता है। तो बेसिकली किरचॉफ ने सीधा सीधा बोला था कि इस जंक्शन के ऊपर क्या होता है, जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है, मतलब उसकी अल्जेब्रिक सम क्या बनेगी, जीरो बनेगी। इसको अगर मैथमेटिकली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, देखो सबकी अगर एडिशन करेंगे तो ये कभी होगा ही नहीं कि इनकी सम जीरो हो गई। इसलिए इस किरचॉफ लॉ को पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशंस देखने पड़ते हैं, और साइन कन्वेंशंस बोलते हैं कि जो भी आपका इनकमिंग करंट होगा, इनकमिंग करंट मतलब करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन होगा, ये आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, एंड जो आउटगोइंग करंट होगा, मतलब करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन होगा, उसको आप क्या करेंगे, उल्टा हो गया, इनकमिंग उसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, आउटगोइंग होगा उसको आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पे जो है इनकमिंग करंट दो है, I1 एंड I2, जिसको अपन पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको अगर निगेटिव कर दिया तो अभी इक्वेशन क्या होगा, मैच होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू बन रहा है I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितना करंट आ रहा था उतना करंट जा रहा है। इसका मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इनकमिंग करंट होता है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, मतलब कि ये जंक्शन किसी भी करंट को कंज्यूम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे करंट कंजर्व होगा, दैट इज चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। तो स्टार मार्क करके पॉइंट आता है कि किरचॉफ का करंट लॉ रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या करता है, चार्ज का कंजर्वेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल लॉ है, बेसिक बात है जो एक्सप्लेन करता है कि कोई भी एक जंक्शन होगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, जंक्शन मतलब क्या, ऐसा पॉइंट जहाँ पे करंट स्प्लिट होगा, स्प्लिट होगा मतलब दो चार करंट कंबाइन होंगे या फिर दो चार करंट डिवाइड होंगे, उस पॉइंट के ऊपर जो भी करंट की अल्जेब्रिक सम लेनी है उसमें रूल कि इनकमिंग होगा तो पॉजिटिव ले लो, आउटगोइंग होगा तो निगेटिव ले लो, इनकी सम विद साइन कन्वेंशन कंसिडर करेंगे तो वो जीरो आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका किरचॉफ का करंट लॉ। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपको एक सर्किट नेटवर्क दिया गया है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ पे आ रहा है 2.7 एम्पियर, आगे जा रहा है
यहाँ पे आउटगोइंग करंट है 0.8 एम्पियर, यहाँ पे इनकमिंग है 1.9 एम्पियर एंड यहाँ पे आउटगोइंग करंट है आई और आपको बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। तो बेसिक बात ही देखो क्या हो रहा है कि हम करंट को पहले नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट्स दिख रहे हैं मैं इसको आई वन कंसिडर करता हूँ, ये बनेगा आई टू, ये बन जाएगा आई थ्री, ये बन गया आई फोर, ये बन गया आई फाइव। तो हर बार हम यही करेंगे, जितने भी करंट दिख रहे हैं उनको नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पांच करंट है, कुछ करंट आ रहे हैं कुछ करंट जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें तीन जंक्शन मिल रहे हैं जिसको मैं कंसिडर करता हूँ। ये बन गया आपका ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी। तो इस नेटवर्क के लिए आप जो खिरचौप का करंट लॉ है वो तीनों जंक्शन को सेपरेट अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पूरे सर्किट को इतना कंसीडर कर सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, तो भी चलेगा। लेकिन इस मेथड से आपका आंसर थोड़ा सा कम टाइम में आएगा, सिंपल वे से आएगा। तो इनकमिंग मतलब जो सर्किट के टूवर्ड्स जा रहे थे, कौन कौन जा रहा था, 2 + 2.7 कितना हो गया 4.7 प्लस ये 1.9 है, मतलब ये 2 + 2.7 +1.9 यानी कौन कौन, आई वन आई टू एंड आई फोर, इनके अपन सम कर रहे कितनी आ रही है 9.7, ये 6, ये 2.4, 2 कितने हो गए 6.6। इसका मतलब 6.6 एम्पियर इतना करंट सर्किट की टूवर्ड जा रहा है जिसमें से बस 0.8 एंड आई फाइव अभी आ रहा है। तो हमें आई फाइव फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 6.6 में से ये 0.8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6.6 माइनस 0.8 कितना हो गया 16 - 8 मतलब 8, 6 - 1 मतलब 5, तो ये बन गया 5.8। इसका मतलब आपका जो रिमेनिंग करंट था आई फाइव वो आ रहा है 5.8। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किरचॉप का करंट लॉ अप्लाई करके जो अननोन करंट है उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी बेसिक जो भी सम्स होंगे, एग्जांपल्स होंगे, वो वर्कशीट सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे जाते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा और डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज किरचॉप का दूसरा लॉ, दैट इज KVL। किरचॉप का दूसरा लॉ, किरचॉप्स वोल्टेज लॉ, दैट इज KVL। अब ये किरचॉप्स का वोल्टेज लॉ मतलब KVL अप्लाई करने के लिए हर बार हमारे पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होना चाहिए, और उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का अगर आपको क्लोज लूप दिया गया है तभी आप इस किरचॉप के वोल्टेज लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब क्या होता है, सिंपल है, देखो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब क्या होता है, बेसिकली ये अरेंजमेंट होती है, क्या होती है, अरेंजमेंट होती है किसकी, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ बैटरी इन ए कॉम्प्लिकेटेड मैनर। मतलब क्या है, देखो सिंपली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब क्या, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ तरह से, इससे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैं इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है एंड करंट को फ्लो करने के लिए मैंने यहाँ पे बैटरी भी डाल दी है। इसका EMF होगा E1, इसका EMF होगा E2। हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की डायग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका रेजिस्टेंस का सिंबल एंड रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, R6 है। इसका मतलब ये बन गया इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जिस नेटवर्क में मैंने 6 कंपोनेंट अक्रॉस 2 बैटरीज इन ए कॉम्प्लिकेटेड मैनर कनेक्ट कर दिए एंड ये क्लोज लूप भी फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इतना सिंपल है, ठीक है। तो आगे जाके देखो हमें बेसिकली किरचॉप्स लॉ अप्लाई करना है, तो कंडीशन है यहाँ पे, लिमिटेशन होगी कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होना चाहिए इस तरह से जो क्लोज लूप होगा। क्लोज लूप होगा मतलब कहीं से भी स्टार्ट करो तो वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट क्या होता है सेम होता है, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क समझ में आने के बाद एक्चुअल आते हैं स्टेटमेंट ऑफ KVL के ऊपर, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको वर्ड में कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो किरचॉप्स वोल्टेज लॉ यानी KVL के ऊपर आते हैं, तो KVL पढ़ने के लिए हमारे पास
सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की। तो मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे एकदम बेसिक कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना देता हूँ, कैसे भी बनाओ, कोई वहाँ पे लिमिटेशन नहीं होता है। एग्जाम में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस देंगे तो आपको ठंडे दिमाग से उसको देखना है और उसको सॉल्व करना है। एकदम सिंपल तरीका आपका सॉल्व करने का, कैसे वो आपको अभी 10-5 मिनट में समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो बैटरी कनेक्ट की है, कुछ रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7, इस तरह से, ठीक है। ये KVL क्या बोलता है, KVL क्या बोलता है, ये बोलता है स्टार्ट में क्या लिखा है, इन ए क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो ये मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। इन ए क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल कंपोनेंट्स प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, देखो ये केवल एक्सप्लेन कर रहा है इस पूरे सर्किट का, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे यानी वी लेंगे और एक कंपोनेंट का लेके उसको ऐड करेंगे, अल्जेब्रिक सम करेंगे, प्लस इसमें जितना सर्किट में ईएमएफ अप्लाई किया था तो इनकी सम हमेशा से जीरो आती है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये ई मतलब ये बन रही है अप्लाइड एनर्जी, एंड ये वी मतलब क्या होता है, बेसिकली ये होता है आयात, मतलब आर इतने रेजिस्टेंस से ओवरकम करके आई इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली यहाँ पे जो भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम एनर्जी। तो कंज्यूम एनर्जी एंड अप्लाइड एनर्जी इनकी सम जीरो कब होगी, जब जब जितनी एनर्जी अपन वहाँ पे सप्लाई कर रहे थे उतना यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, कंजम्पशन होगा, मतलब कंजर्वेशन होगा। इसका मतलब क्या होता है, ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, ये प्रेजेंट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे पहले लॉ एक्सप्लेन करता था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये एक्सप्लेन करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, एकदम सिंपल है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया, इक्वेशन हो गया। इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आईआर प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल्स टू जीरो। उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे कोई भी नेटवर्क बना के रखा है, ठीक है। आगे जाके देखो, जब हमें केवीएल का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इसमें हमारा बेसिक पर्पस होता है 99.9% टाइम्स यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसको फाइंड करना, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले साइन कन्वेंशन आएंगे। और ये साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, देखो बोर्ड पे स्टेटमेंट में रख लेता हूँ। साइन कन्वेंशन इस तरह से होते हैं कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपको दिख रहा है उसमें से करंट की डायरेक्शन आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। अब डायग्राम में देखो, बैटरी है तो करंट ऑलवेज फ्लो होता है अवे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, तो मैं एक करंट की डायरेक्शन डिसाइड करता हूँ I1 की। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये करंट की डायरेक्शन डिसाइड हो गई, ये बन गया I2। आगे जाके जो पॉइंट दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये I1 और I2 एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे जंक्शन। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा दैट विल बिकम I1 प्लस I2, यहाँ पे आके सेम करंट स्प्लिट होगा, I1 ऊपर जाएगा I2 नीचे आएगा। तो ये करंट की डायरेक्शन डिसाइड होने के बाद साइन कन्वेंशन एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली हमारी सर्किट ट्रेस करने की डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो आपको नेगेटिव साइन यूज करना है, जिसके लिए ये IR के लिए, एंड उन दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो आपको पॉजिटिव यूज करना है सेम, किसके लिए, फॉर IR के लिए। मतलब कैसे, देखो अभी ट्रेसिंग की डायरेक्शन किस तरह से आती है, हमें एक नोमेनक्लेचर बनाना पड़ता है। जैसे सर्किट को मैं बोल देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, और जब हम KVL अप्लाई करेंगे फॉर द लूप तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर द लूप ए बी सी डी ई एफ ए। इसका मतलब ये मेरे डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग हो गए, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग हो गई कि मैं ए से लेके बी तक जाऊँगा। तो जाते टाइम मैं ए टू बी जा रहा हूँ, करंट बी टू ए आ रहा है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, तो वहाँ पे हमें साइन क्या करना पड़ता है,
प्लस लेना पड़ता है। इस तरह से ये आयर का साइन हो गया है। एंड बैटरी के लिए अगर प्लस टू माइनस ट्रैवल कर रहे तो ये निगेटिव लेना है, अगर ये माइनस टू प्लस ट्रैवल कर रहे तो ये आपको प्लस लेना है। मतलब कि सिर्फ ए से बी जाते टाइम हम प्लस टू माइनस जा रहे थे, इसलिए ई एम एफ क्या होगा, माइनस होगा। एंड सेम वे डी से ई जाते टाइम माइनस टू प्लस आ रहे थे, तो ई का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरह से साइन कन्वेंशन हमें ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको विद एग्जांपल और थोड़ा क्लियर हो जाएगा केवीएल के बारे में। तो अब क्या करते हैं, हम बेसिकली जो लूप आपको दिख रहा है बोर्ड पे उसके कुछ इक्वेशंस बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लूप मैंने पहले कंसीडर किया था उसी को कंसीडर करते हैं। आपको क्या करना है, मेरे साथ में वर्क करो पॉसिबल है तो। ए बी सी डी ई एफ ए ये लूप कंसीडर करना है। अब आगे जाके मैं एक्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई भी केवीएल का क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। क्वेश्चन होगा, डायग्राम नहीं भी दिया है तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से आपको डायग्राम बनानी है, उसमें करंट की डायरेक्शन डिसाइड होगी, इस तरह से नोमेनक्लेचर बना देंगे। हर बार आपको ऐसे दो लूप होंगे, एक छोटा, ठीक है, एक बाजू एक दूसरे के बाजू में। तो हर बार हम क्या करेंगे, पहले एक बड़ा लूप लेंगे उसका इक्वेशन बनाएंगे, फिर छोटा लूप लेंगे उसका दूसरा इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन को लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, अब लूप कैसे बनाते, देखो सिंपल ए बी सी डी ई एफ ए के लिए लूप बनाना है, तो इसके तीन स्टेप है। अगर ये तीन स्टेप आपको समझ में आ गए, तीन स्टेप को आपको फॉलो किया, तो केवीएल का क्वेश्चन आप एकदम आराम से विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हो। एकदम बेसिक तीन स्टेप है। देखो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो हमारी डायरेक्शन ट्रैवलिंग का पाथ था उसके पाथ के अक्रॉस अलोंग जितने भी रेजिस्टेंस आ रहे थे उनको लिख देना है। जैसे देखो मैं ए टू बी जा रहा था, रास्ते में आर वन आ रहा है, आर वन लिखो। बी टू सी जाते टाइम आर टू आ रहा है, आर टू लिखो। सी टू डी कुछ नहीं है, डी टू ई कौन है, आर सेवन, तो ये आर सेवन लिख लिया। ई टू एफ कौन है, आर सिक्स है, तो ये आर सिक्स लिख लिया। एफ टू ए कौन है, आर फाइव है, तो ये आर फाइव लिख लिया। अगेन ए के ऊपर आने के बाद हमारा लूप खत्म हुआ, ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, बेसिकली सॉरी फर्स्ट स्टेप में बैटरी भी जो आ रही है उसको लिख देना है, दोनों भी बैटरी आ रही है, मतलब ये बनेगा E1 E2 इक्वल टू बन गया 0। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हर एक रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट, जैसे R1 R2 R5 तीनों में से I1 फ्लो हो रहा है, R7 R6 में से I2 फ्लो हो रहा है, इनकी बाजू में लिख देना है। ठीक है, तो R1 R2 एंड R5, तो ये I1, ये भी I1 एंड ये भी I1, इनके साथ में I2 प्लस बने। अभी बैटरी के लिए कन्वेंशंस क्या थे कि प्लस टू माइनस अगर जा रहे हैं, जैसे ए से बी तक अपन प्लस टू माइनस जा रहे हैं, मतलब ये माइनस, ये बनेगा प्लस। इस तरह से ए बी सी डी ई एफ ए इस लूप का इक्वेशन बन गया। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे सेम दोनों में से कोई भी छोटा लूप ले लो, जैसे कि ये एफ सी डी ई एफ इसको कंसिडर करते हैं। वही प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 लिख दो। R3 है, R4 है, R7 है, R6 है, बैटरी एक ही आ रही है, इक्वल टू 0, खत्म फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में से इनमें से फ्लो होने वाला करंट, तो R3 R4 में से कौन फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2 दोनों फ्लो, ये बनेगा I1 प्लस I2। R7 R6 में से कौन है, बस I2 है, हो गया। लास्ट स्टेप में सब की करंट की डायरेक्शन, सर्किट ट्रेसिंग की डायरेक्शन सेम है, तो सब यहाँ पे माइनस बनेंगे, ओनली बैटरी विल बिकम पॉजिटिव, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। आगे जाके बस आपको ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाती है, उनको पुट करके दोनों को साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। जैसे कि होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूं, आपको ई1 दिया है 1.5 वोल्ट, ई2 दिया है 0.6 वोल्ट एंड ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 5 ओम, तो फाइंड I1 प्लस I2। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम जब वर्कशीट सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर देख लो, लिख लो। थैंक यू।